नमस्कार दोस्तों, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का पालनपुर से लेकर रेवाड़ी तक का सेक्शन जो 650 किलोमीटर का खुल चुका है, लेकिन उसमें अब इलेक्ट्रिक इंजन भी दिख रहा है। तो ये क्यों दिख रहा है? तो हम आपको बता दें कि इस सेक्शन में इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। आखिरकार जो हमारे गुजरात के 3 बंदरगाह हैं, उसमें कांडला पोर्ट भी है जो पहले ही फ्रीट कॉरिडोर से कनेक्ट हो चुका था। जब न्यू पालनपुर पर ट्रेन पहुंची तो समझ लीजिए कि गुजरात के कांडला पोर्ट से पालनपुर जुड़ चुका था। इंडियन रेलवेज ने अब एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 13 मई को दर्शना जादौन जी ने विजिट किया न्यू मेहसाणा रेलवे स्टेशन का। न्यू मेहसाणा रेलवे स्टेशन गुजरात में पड़ता है। न्यू मेहसाणा रेलवे स्टेशन से न्यू पालनपुर रेलवे स्टेशन की दूरी 65 किलोमीटर की है और न्यू पालनपुर से लेके मेहसाणा के बीच में DFC का जो डबल लाइन प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और वहाँ जो ट्रायल रन हुआ था वो भी सक्सेस रहा था। और यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि रेवाड़ी से लेकर न्यू मेहसाणा के बीच का WDFC का काम कंप्लीट हो चुका है। जो 650 किलोमीटर पहले खुला हुआ था, अब हम ये कह सकते हैं कि 700 किलोमीटर खुल चुका है। इस वक्त जब यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ तो यहाँ पर कई मेजर ROB ब्रिजेस का भी इनॉग्रेशन किया गया। इस इनॉग्रेशन में दर्शना जादौन जी और DFCCIL के MD RK जैन जी भी मौजूद थे। उन्होंने एक रेल कार से पूरा इंस्पेक्शन भी किया और उन्होंने देखा कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। जो ये सेक्शन तैयार हुआ है ये गुजरात के भांडू और पालनपुर डिस्ट्रिक्ट में तैयार हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 बड़े ब्रिजेस भी मौजूद हैं, 10 मेजर ब्रिजेस हैं, 16 रोड ओवर ब्रिजेस हैं, 81 माइनर ब्रिजेस हैं, 82 माइनर रोड ओवर ब्रिजेस हैं और 1 फुट ओवर ब्रिज भी है। इन सभी का इनॉग्रेशन किया गया और साथ ही में इस सेक्शन में 33 लेवल क्रॉसिंग को भी एलिमिनेट किया गया ROB के द्वारा। इस फ्रीट कॉरिडोर ट्रैक की कैपेसिटी 32.5 टन एक्सेल लोड की है, जो इंडियन रेलवेज में भी उपलब्ध नहीं है जितनी की डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर में। जिसका मतलब ये हुआ कि इस रेलवे ट्रैक पर हैवी से हैवी गुड्स ट्रेन चलाई जा सकती है। 27 वैगन वाली एक मालगाड़ी को पहले दिन यहाँ से गुजारा गया जो कि एकदम सफल रहा। 2019-20 के बीच में रेवाड़ी से न्यू दिल्ली का सेक्शन खुला था, ये 119 किलोमीटर का सेक्शन था। उसके बाद रेवाड़ी से मदर में 2021 में काम हुआ। अजमेर से पालनपुर 2021 में आपस में जुड़ गए थे। बाद में फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड होकर रेवाड़ी से पालनपुर का काम कम्प्लीट हो गया है और अब जून से पहले न्यू मेहसाणा और पालनपुर आपस में जुड़ते नजर आ रहे हैं। और यही कारण देश में सबसे बड़े पोर्ट्स में से एक पिपाव पोर्ट, मुद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट DFC से जुड़ चुके हैं। और अब हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि अब ये तीनों पोर्ट न्यू दिल्ली से जुड़ चुके हैं और अब कोई भी सामान इन पोर्ट से दिल्ली ले जाना हो तो हमें अब बाई रोड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्री ट्रेन से सारा सामान आसानी से और तेजी से दिल्ली पहुंचाया जा सकता है और इस ट्रैक पर मालगाड़ियां 3 कंटेनर एक साथ ले जा सकती हैं और इस तरह से हमारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर ग्रो कर रहा है।